रक्तवर्णम् दिनकरवदनम् तीक्ष्णदं श्राकराणम् रं 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 रम्यतेजम् गिरिचलनकरम् कीर्तिपञ्चाधिपत्रम् रं 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 राजयोगम् सकलशुभनिधिं सप्तवेदानवेद्यम् रं 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 राक्षसान्तम् सकलविषयशं रामदुःखं नमामि रं 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 सत्त्वहस्तम् आदि पुरुष के बाद इंडियन सिनेमा में एक और रामायण बन रही है जिसे डायरेक्टर नितेश तिवारी बना रहे हैं और इस फिल्म को लेकर बैक टू बैक अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि रामायण की शूटिंग साल 2024 अगस्त के महीने में शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एनिमल के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद अब रणबीर कपूर एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म का नाम रामायण होने वाला है। बता दें कि रामायण एक हिंदू महाकाव्य है जिस पर पहले भी कई फिल्म और सीरियल बन चुके हैं। बीते दिनों प्रभास की फिल्म आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी जो कि रामायण पर ही बेस्ड थी, लेकिन ये फिल्म फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद से ही दंगल और छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण शुक्रिया बतोड़ रही है। नितेश तिवारी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि रामायण के ऊपर फिल्म बनाना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर वो 2024 के मिड में काम करना शुरू करेंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में बॉलीवुड के साथ टॉलीवुड के भी कई मशहूर कलाकार काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर अब साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ फिल्म में नजर आएंगे और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि रामायण होने वाली। रणबीर कपूर भगवान राम जी के रोल में नजर आएंगे, वहीं साई पल्लवी माता सीता जी का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म में सुपरस्टार यश भी होने वाले हैं जो कि रावण के रोल में नजर आएंगे। खबरों की माने तो साई पल्लवी से पहले माता सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का लेकर चर्चा हुई थी, पर अब साई पल्लवी का नाम सामने आ रहा है। साथ ही भगवान राम के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा था, पर अब रणबीर कपूर को इस रोल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। बता दें कि आदि पुरुष की परफॉर्मेंस के बाद नितेश तिवारी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने रामायण के वीएफएक्स के लिए ऑस्कर विनिंग टीम को हायर किया है। साथ ही ये फिल्म एक से ज्यादा पार्ट में बनने वाली है। बता दें कि इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और इस बार इस रामायण की स्टोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी के साथ बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो फिलहाल इसकी कोई खबर सामने नहीं आ रही है, पर सोर्सेज का मानना है कि ये फिल्म 2 सालों के बाद ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। रामायण की स्टार कास्ट की लेटेस्ट अपडेट के बाद से ही फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा बेताब है। ऐसे में फिल्म के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।